बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चे, वो माइक्रोबायोलॉजी में लेक्चर नंबर 26 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और 26 में हमारा टॉपिक स्टीलाइजेशन ही चल रहा है। तो स्टीलाइजेशन तीन तरीकों से हो रही है, फिजिकल मेथड से, केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड। तो ये वाले जो फिज़िकल मेथड थे, ये हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल मेथड से। तो इसके नाम से ज़ाहिर है, स्टीलाइजेशन बाय सम केमिकल्स। तो इसमें आपने कुछ केमिकल्स यूज़ करने हैं जिससे आप स्टीलाइजेशन कर सकते हैं, ये बैक्टीरिया को मार सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, स्टीलाइजेशन बाय सम केमिकल्स। अब इसमें आप कौन से केमिकल यूज़ करते हैं, तो ये उनकी एक लिस्ट है। एथिलीन ऑक्साइड आप यूज़ करते हो, ओजोन आप यूज़ करते हो, फॉर्मल्डिहाइड आप यूज़ करते हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करते हो, पैंक्रियाटिक एसिड यूज़ करते हो और प्रियॉन्स। तो ये सारे केमिकल्स हैं जो ये केमिकल मेथड में यूज़ हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसमें से हमने दो की बात करनी है। पहला है क्लोरीन ब्लीच। ठीक है, तो ये देखें, ये घरों में हम सफाई के लिए यूज़ करते हैं। हाउस होल्ड ब्लीच, मतलब ये वाली जो ब्लीच होती है, इसमें 5.25% सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। तो ये देखें, इसके अंदर ये क्लोरीन है। ठीक हो गया। तो फिर आपने इस सोल्यूशन को डाइल्यूट करना होता है 1/10 बिफोर यूज़। ठीक हो गया। मतलब इसमें अगर 1 ग्राम वो ये आपने ब्लीच लिया, तो 10 ग्राम आपको वो पानी के साथ इसको हल करना पड़ेगा। और फिर आपको ना ये रिक्वायर्ड 20 मिनट्स टू रिएक्ट, मतलब चीज़ों को प्रॉपर मारने के लिए ज़रूरी है कि ये जो ब्लीच है वो उस चीज़ के ऊपर 20 मिनट तक पड़ी रहे। ठीक हो गया। तो फिर ये प्रॉपर तरीके से क्या कर सकती है, बैक्टीरिया को मार सकती है। ठीक है। और दूसरा हमारे पास अजोन। अजोन एक गैस होती है जो आप कह सकते हैं हाईली पॉइजनस गैस है, और ये एक्सप्लोसिव होती है, जो आप कह सकते हैं धमाका खेज गैस होती है। तो इसको भी आप एज आ ये केमिकल मेथड हम यूज़ करते हैं। यूज़ नहीं, लेकिन ये इंडस्ट्री में यूज़ होती है, ये पानी और हवा को स्टीलाइज करने के लिए, कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया उनको मारने के लिए हम अजोन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप आल्सो एज आ डिसइंफेक्टेंट फॉर सर्फसेज, ये जो जितनी भी चीज़ों की सर्फसेज होती हैं, तो उनके ऊपर बैक्टीरिया को मारने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखें, अगर आपने बैक्टीरिया को नॉन लिविंग के ऊपर मारना है, जिस तरह ये चेयर है, चेयर के ऊपर बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, तो इसको आपने मारना है, तो इस अमल को हम कहते हैं डिसइंफेक्शन। तो इसके लिए जो हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। और फिर हमारे पास आते हैं मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड पहला फिल्ट्रेशन है, कि आप चीज़ों को फ़िल्टर कर लें। ठीक है, जिस तरह पोर्सिलिन फिल्टर हम यूज़ करते हैं, कि उसमें से अपने सोल्यूशन को गुजारें, तो जो भी बैक्टीरिया होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, आपका जो सोल्यूशन है वो बैक्टीरिया से पाक होकर नीचे आ जाएगा। तो ये फिल्ट्रेशन के जरिए भी आप बैक्टीरिया से बच सकते हैं। और फिर ये प्रिजर्वेटिव, ये भी डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो अपनी फूड में या लिक्विड्स में हम ऐड करते हैं, ताकि उनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा हो सके, ताकि जो बैक्टीरिया उनको ख़राब ना कर सके उन चीज़ों को। ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव। और फिर हमारे पास कुछ क्या होती हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया को मारने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट तीन किस्म के होते हैं। एक हम कहते हैं एंटीसेप्टिक्स। अब देखें, पायोडीन होती है, या ये आयोडीन, हम पायोडीन लेते हैं, या ये होता है सिप्रट। तो ये दोनों एंटीसेप्टिक्स होते हैं। तो एंटीसेप्टिक का मतलब होता है आपने बैक्टीरिया को मारना है, ये जिस तरह ये मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर मेरी ये बाजू के ऊपर जो बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए आप ये पायोडीन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एंटीसेप्टिक। और दूसरा होता है डिसइंफेक्टेंट। अब देखें, अगर कोई नॉन लिविंग चीज़, जिस तरह चेयर है, तो चेयर के ऊपर जो बैक्टीरिया है इसको मारने के लिए आप जो चीज़ इस्तेमाल करोगे उसको हम कहेंगे डिसइंफेक्टेंट। और तीसरा होता है एंटीबायोटिक। तो एंटीसेप्टिक हम बॉडी से बाहर यूज़ करते हैं, और ये वाली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं इनको हम बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं, कि जिस तरह हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हम एंटीबायोटिक खाते हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में या इंजेक्शन की फॉर्म में लगवाते हैं। ठीक हो गया। तो ये तीनों एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जो बैक्टीरिया को मारने के लिए हम यूज़ करते हैं। और लास्ट पर ये वाली जो स्टीलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम तीनों मेथड यूज़ कर रहे हैं, फिज़िकल, केमिकल और मैकेनिकल, इसकी आगे कुछ एप्लीकेशन हैं, इनको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट इनका जो यूज़ हो रहा है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, देखें जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, ये डिफरेंट मेडिसन बनवा रही हैं, तो इनकी जो मेडिसन बनती है उसको भी बैक्टीरिया से पाक किया जाता है। तो उनको बैक्टीरिया से पाक करने के लिए सारे स्टीलाइजेशन प्रोसेस ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ यूज़ करती हैं। फिर हॉस्पिटल में देख लें, अब हॉस्पिटल में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उनको आप कह सकते हैं स्टीलाइज करने के लिए, उनको बैक्टीरिया से पाक करने के लिए वो ये तमाम जो तरीके हैं वो हॉस्पिटल में भी यूज। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।